हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं वॉर्नर मीडिया और डिस्कवरी के बीच हुई डील के बारे में कि इस डील से फैंस को क्या फायदा देखने मिलने वाला है जल्द ही वॉर्नर मीडिया के अंडर। जिस नाम को जल्द ही चेंज कर दिया जाएगा, उस नाम की कंफर्मेशन अभी से ही कर दी गई है कि इस मर्ज के बाद वॉर्नर मीडिया वॉर्नर डिस्कवरी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ये डील अभी की कंफर्मेशन के हिसाब से ईयर 2022 में कंप्लीट होगी, उसके पहले के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, ये बात श्योर है कि इस डील से सच में वॉर्नर मीडिया में काफी कुछ बदलने वाला है। तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि AT&T जैसी कंपनी ने कुछ ही साल पहले वॉर्नर मीडिया को बाय किया था, जिसे लेकर उनकी उम्मीदें यही थी कि वो लोग वॉर्नर मीडिया में काफी कुछ बदल सकते हैं और अपना करियर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और भी काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट उनके लिए गए जो डिसीजन थे, उससे कई सारे क्रिएटर्स बहुत ही ज्यादा नाराज हुए हैं, जिसका रीजन है फिल्मों को एक ही दिन में थिएटर्स के साथ साथ HBO Max पर रिलीज करने का, जिससे AT&T को लॉस कम से कम बिलियंस का हुआ है। जिस अनाउंसमेंट को रात और रात ही प्लान कर क्रिएटर्स को एक घंटे पहले ये बताया गया था कि उनके सारे के सारे कंटेंट्स को OTT के प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है, जिसकी उम्मीद उन क्रिएटर्स ने बिल्कुल भी नहीं लगाई थी। लेकिन इन सब में क्रिस्टोफर नोलन की जीत हुई थी, जिन्होंने जिद कर अपनी फिल्म को थिएटर में रिलीज किया था। बाकी दूसरे क्रिएटर्स की पहुंच इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए उन्हें हार माननी ही पड़ी। लेकिन अभी रिसेंटली डून फिल्म को भी लेकर कंफर्मेशन की गई है कि ये फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होगी, उसके बाद HBO Max पर, क्योंकि लीगल इशू बहुत सारे है। इसके पहले भी लेजेंडरी स्टूडियो की एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को ऐसे ही OTT के प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया था, यानी कि HBO Max पर, जिससे उन्हें प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन उम्मीद के हिसाब से उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी के लिए तो HBO Max को एक काफी लंबा स्ट्रगल करना है, जिस स्ट्रगल के पीछे उन्हें कई सारा लॉस करना होगा, तभी जाकर HBO Max वॉर्नर मीडिया के लिए कमाने का एक मेन सोर्स बन जाएगा, ठीक नेटफ्लिक्स, डिज्नी और अमेजोन की तरह, जिसमें एप्पल प्लस TV भी शामिल होती है। लेकिन अभी के लिए तो ये चीज वॉर्नर मीडिया के लिए जो सबसे बड़ा खतरा पैदा कर बैठी है, वो है क्रिएटर्स का गुस्सा, जिसमें शामिल क्रिस्टोफर नोलन और जेम्स गन के अलावा और भी कई सारे क्रिएटर्स हैं, और हाँ, जैक स्नाइडर भी, जिन्होंने रिसेंटली वॉर्नर ब्रदर्स के लिए एक बहुत ही खतरनाक हैशटैग को वायरल किया है, जो चीज यही बताती है कि जैक स्नाइडर अब फ्यूचर में वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो के साथ जल्दी काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके क्रिएटिव फ्रीडम्स को उनसे पूरी तरीके से छीन लिया गया था, जिसके कारण से फैंस को भी जैक स्नाइडर के वर्जन की जस्टिस लीग फिल्म देखने के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ा था। लेकिन नेटफ्लिक्स की तरफ से जैक स्नाइडर को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई है, और अभी रिसेंटली ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी वॉर्नर मीडिया की तरफ से रॉबर्ट पैटिसन को दी गई है, जिस पर मैं जल्दी एक वीडियो बनाकर आपको उसकी भी पूरी की पूरी डिटेल दे दूंगा। जो डील हमें यही बता रही है कि आगे क्रिएटर्स का फ्यूचर अब वॉर्नर मीडिया या फिर कहूँ वॉर्नर डिस्कवरी में बहुत ही ज्यादा ब्राइट रहेगा, और हो सकता है कि इससे जैक स्नाइडर और जेम्स गन जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर फिर से इस स्टूडियो के साथ में काम करने की सोचे, जिस पर अभी तो उनकी तरफ से मोहर बिल्कुल ना की लगाई गई है। और AT&T कंपनी की बात करें तो ये कंपनी एक टेलीकमिशनल कंपनी है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं। लेकिन अब इस डील से ऐसा लगता है कि AT&T अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी ही फील्ड में सबसे ज्यादा लगाना चाहता है, जिसमें ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा बेस्ट है, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अब AT&T वालों की तरफ से वॉर्नर मीडिया को सेल करने की रिपोर्ट निकल कराई। लेकिन फिलहाल तो उस रिपोर्ट पर जो ब्रेक लगा है, वो है काफी बड़ा मर्जर, जिसके लिए आगे अगर कोई आगे आया है तो वो है डिस्कवरी, यानी कि डिस्कवरी के CEO डेविड जेसोल्वा और हाँ, इसके स्टॉक होल्डर जॉन मेलन भी, जिनकी तरफ से ये मर्जर पूरे 43 बिलियन का है। और इतने काफी सारे पैसे खर्च करने के बाद भी AT&T का ही शेयर इस मर्जर में सबसे ज्यादा है, जो कि पूरे 71% का है, और बाकी के बचे हुए 29% शेयर होल्डर्स डिस्कवरी के पास है। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता है कि आपको काफी ज्यादा दुखी होना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी न्यूज है वो यही है कि वॉर्नर मीडिया का पूरा कंट्रोल अब AT&T के अंडर बिल्कुल भी नहीं रहेगा इस डील के चलते। इट मीन्स कि इस डील से डिस्कवरी अपनी पूरी के पूरी पकड़ वॉर्नर मीडिया पर बना रहा है, इसलिए उसके नाम को अब वॉर्नर मीडिया नहीं बल्कि वॉर्नर डिस्कवरी कहा जाएगा, जिस डील पर साइन ईयर 2022 तक कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए तो वॉर्नर मीडिया के CEO जेसन कैलरी ही रहेगी, जिनके जाने के बाद मुझे लगता है फैंस बहुत ही ज्यादा खुशियां मनाएंगे, क्योंकि उनकी जगह डिस्कवरी के CEO डेविड जेसोल्वा को दे दी जाएगी, जिन्होंने डिस्कवरी को कितनी अच्छी तरीके से हैंडल किया है वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिस्कवरी एक काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है, और उनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि यहां पर क्रिएटर्स को
पूरी तरीके का फ्रीडम दिया जाता है, जिस फ्रीडम को लेकर डिस्कवरी में सभी बहुत ज्यादा खुश है, यानी कि शो के क्रिएटर्स और हाँ बाकी दूसरे चैनल्स जो डिस्कवरी के अंडर आते हैं। और इससे ये बात बिल्कुल साफ होती है कि इस डील से वार्नर मीडिया के अंडर भी ऐसी ही क्रिएटिविटी की छूट वाल्टर हमाडा को दे दी जाएगी अगर डिस्कवरी उन्हें डीसी के यूनिवर्स का इंचार्ज रखेगा तो, वो भी शायद इसी रूल के साथ कि क्रिएटर्स को उनका फ्रीडम मिलना ही चाहिए। बाकी अब इस मर्जर की बात करें तो वार्नर मीडिया और डिस्कवरी के मर्ज से ये कंपनी लगभग 140 बिलियन के आसपास पहुंच गई है, जो कि उम्मीद से कई ज्यादा है। और जो दावा डिज्नी फैंस का किया जा रहा था कि डिज्नी में इतनी ज्यादा ताकत है कि वो इतनी बड़ी रकम पे कर इस कंपनी को अपने अंडर ले सकता है, तो वेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी डिज्नी वालों की तरफ से 20th सेंचुरी फॉक्स को एक काफी बड़ी रकम में खरीदा गया है, जो कि अभी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 70 बिलियन की है। और अगर इसमें एक और बड़े खिलाड़ी की बात करें तो ये काम अमेज़न के अलावा कोई नहीं कर सकता, जो डिज्नी जैसी कंपनी को भी 2 से 3 बार खरीदने की ताकत रखता है अगर फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ी तो, क्योंकि सिर्फ डिज्नी ही मार्केट में एक काफी बड़ी और जायंट कंपनी नहीं है, इसके अलावा भी और भी कई बड़े बड़े पावर हाउसेस के नाम है। तो अब इस डील से आपको ये बात बिल्कुल साफ साफ पता चल गई होगी कि इतनी बड़ी डील जब डिस्कवरी ने वार्नर मीडिया को अपने अंडर लेने की है, तो फिर वो इसे खरीदने के बाद ऐसे ही डिज्नी वालों को डीसी कॉमिक बुक नहीं बेचेगा, क्योंकि सभी यहाँ पर पैसे कमाने के लिए है। तो अब आपकी क्या राय है इस एक और खतरनाक वार्नर मीडिया और डिस्कवरी की डील को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये खबर आपके लिए कितनी ज्यादा बड़ी है। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या भी किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।